गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आप सभी ने राइटर भाग वन का कोर्स कंप्लीट कर लिया है। राइटर भाग वन में आप सभी ने राइटर के बेसिक जानकारी जैसे कि मेनू बार, स्टैंडर्ड बार, फॉर्मेटिंग बार, रूलर, स्टेटस बार इत्यादि के बारे में सीख लिया है। अब आप सभी राइटर के आगे के भाग के बारे में सीखेंगे। राइटर भाग टू कि इस भाग में आप सभी जो सीखेंगे वह मेनू बार के व्यू सब मेनू से लेकर फॉर्मेट सब मेनू के बारे में सीखेंगे। आज की कक्षा शुरू करने से पहले राइटर भाग वन का अभ्यास कर लेते हैं। क्या आपको जो पिछले भाग में पढ़ाया गया था वह याद है या नहीं? पिछले भाग में आपने राइटर के बहुत से महत्वपूर्ण भाग के बारे में सीखा था, जैसे कि फाइल को सेव करना, ओपन करना, सेव एज करना, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करना, अंडू, रीडू, कट, पेस्ट और फाइंड एंड रिप्लेस करना इत्यादि। क्या आप बता सकते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार का उपयोग क्यों करते हैं? फॉर्मेटिंग टूल बार के उपयोग से आप किसी भी टेक्स्ट या पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट कलर चेंज करना, फॉन्ट के साइज को कम या ज्यादा करना, बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक इत्यादि। क्या आप बता सकते हैं एक्सपोर्ट एज पीडीएफ से क्या होता है और पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सपोर्ट एज पीडीएफ से आप अपने राइटर की फाइल को पीडीएफ में बदल सकते हैं। पीडीएफ एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसे आप अपनी फाइल में कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते, मतलब उसमें कुछ नहीं लिख सकते या मिटा नहीं सकते, यह सिर्फ रीड करने के काम आता है। क्या आप बता सकते हैं कि फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग क्यों करते हैं? फाइंड से आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड को या टेक्स्ट को ढूंढ सकते हैं और रिप्लेस से आप उस वर्ड या टेक्स्ट को बदल सकते हैं। अब आप सभी अपने कंप्यूटर को ऑन करें और फिर राइटर की फाइल को ओपन करें। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से ओपन करना सीखें। आइए अब वीडियो की मदद से सीखते हैं कि शॉर्टकट कमांड से राइटर की फाइल को कैसे ओपन करते हैं। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड की एक फिंगर से स्टार्ट बटन को दबाकर रखें और फिर राइट हैंड की एक फिंगर से आर के बटन को एक बार दबा दें। एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसे रन कमांड बॉक्स कहते हैं। इस बॉक्स में आप बिना किसी स्पेस दिए दिखाए जा रहे वीडियो की तरह एस ऑफिस टाइप करें और फिर ओके बटन पर माउस या टचपैड के लेफ्ट बटन से एक बार क्लिक कर दें। एक विंडो ओपन हो जाएगी, इसे आप क्विक स्टार्ट विंडो कहते हैं। आप यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर अपने टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन से एक बार क्लिक कर दें, जिससे राइटर की फाइल ओपन हो जाएगी। आज की कक्षा में आप व्यू सब मेनू के बारे में सीखेंगे। सामने दिए गए पैराग्राफ को देखकर टाइप करना शुरू करें। टाइप करने में अगर कोई समस्या होती है तो आप पूछ सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि व्यू सब मेनू का उपयोग किस लिए करते हैं। व्यू ऑप्शन आपकी मदद करता है उन ऑप्शन को हाइड और शो करने में जिन्हें आप अपने पेज पर रखना चाहते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बाउंड्री, रूलर, स्टेटस बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, ड्रॉइंग और भी ऑप्शन जिन्हें आप व्यू की मदद से अपने पेज पर हाइड कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। व्यू मेनू के अंदर सबसे पहले प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट के बारे में सीखेंगे। क्या आप जानते हैं प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट में क्या अंतर होता है? प्रिंट लेआउट में आप अपने पेज को एक नॉर्मल व्यू में देख सकते हैं और यह आपके सभी पेज को भी शो करता है, लेकिन वेब लेआउट में आप सिर्फ और सिर्फ उन सभी पेजों को एक ही पेज में देख सकते हैं। आइए वीडियो को देखकर समझते हैं प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट में क्या अंतर है और इसका उपयोग कैसे करते हैं।
आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट में क्या अंतर है। अभी आपका पेज प्रिंट लेआउट में है, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आप दोनों पेजों को देख सकते हैं, लेकिन जब आप वेब लेआउट पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज एक बड़ी स्क्रीन में आ जाएगा और उसमें सिर्फ एक ही पेज दिखाई देगा, जैसे कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। अब आप इसे फिर से नॉर्मल व्यू में लाने के लिए मेनू बार के व्यू ऑप्शन में जाकर प्रिंट लेआउट पर क्लिक कर दें। इस प्रकार आप प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट का उपयोग कर सकते हैं। अब आप टूल बार के बारे में सीखेंगे। क्या आप बता सकते हैं टूल बार का उपयोग क्यों करते हैं? टूल बार एक शॉर्टकट तरीका होता है जिसकी मदद से आप अपने काम को और भी आसानी से कर सकते हैं। आइए अब वीडियो की मदद से सीखते हैं कि टूल बार को कैसे हाइड और शो करते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि टूल बार्स के ऑप्शन को कैसे हाइड और शो करते हैं। जैसे कि आप सभी को वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप सभी अपने पॉइंटर को मेनू बार के व्यू ऑप्शन पर लेकर आए और यहाँ पे टच पैड या माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करें। उसके बाद टूल बार्स लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आए और फिर ड्रॉइंग लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपका ड्राइंग टूल बार हाइड हो जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर अपने पॉइंटर को व्यू लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आए, यहाँ पर क्लिक करें, टूल बार्स के ऑप्शन पे जाएं और फिर फॉर्मेटिंग लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपका फॉर्मेटिंग टूल बार हाइड हो जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर से व्यू पर जाएं, टूल बार्स पे जाएं, उसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार पे क्लिक कर दें या स्टैंडर्ड पे क्लिक कर दें, जिससे कि आपका स्टैंडर्ड टूल बार हाइड हो जाएगा। फिर से व्यू पे जाएं, टूल बार्स के अंदर ड्राइंग पे क्लिक कर दें, जिससे कि आपका ड्राइंग टूल बार शो हो जाएगा। व्यू पे जाएं, उसके बाद टूल बार लिखे हुए ऑप्शन पे अपने पॉइंटर को लेकर आएं, उसके बाद फॉर्मेटिंग लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपका फॉर्मेटिंग टूल बार शो हो जाएगा। अपने पॉइंटर को व्यू लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आएं, टूल बार्स पे जाएं, उसके बाद स्टैंडर्ड लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका स्टैंडर्ड टूल बार शो नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा तो जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसे फॉर्मेटिंग टूल बार को अपने टच पैड या माउस के लेफ्ट बटन से दबा के रखें और उसे ऊपर और नीचे की तरफ ड्रैग करें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार शो हो जाएगा। इस तरह से आप टूल बार्स के ऑप्शन को हाइड और शो कर सकते हैं। अब आप स्टेटस बार के बारे में सीखेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि स्टेटस बार का उपयोग क्यों करते हैं? स्टेटस बार पेज के बारे में बताता है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि स्टेटस बार राइटर के पेज के नीचे वाले भाग में देख सकते हैं। इसे हाइड अनहाइड करने के लिए आपको सामने दिखाए जा रहे वीडियो को देखें और सीखें कि स्टेटस बार को हाइड और शो कैसे करते हैं। स्टेटस बार को हाइड और अनहाइड करने के लिए आप सभी अपने पॉइंटर को व्यू लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आए, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, और फिर यहाँ पे अपने टच पैड या माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर दें, जिससे कि व्यू के सब मेनू ओपन होंगे। उसके बाद स्टेटस बार लिखे हुए ऑप्शन पर अपने टच पैड या माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर दें, जिससे कि स्टेटस बार हाइड हो जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अगर फिर से इसे लाना है तो व्यू लिखे हुए ऑप्शन पे जाएं
और यहाँ पे टच पैड के या माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करें, फिर से स्टेटस बार लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपके पेज पर स्टेटस बार दोबारा से शो हो जाएगा। इस तरह से आप स्टेटस बार को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। आइए अब रूलर को हाइड और शो करना सीखते हैं। रूलर का चित्र आपको सामने दिखाया जा रहा है। वीडियो को देखकर आप रूलर को हाइड करना और अनहाइड करना सीखें। आप सभी अपने पॉइंटर को व्यू लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आएं और यहाँ पे अपने टच पैड या माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करें। अब व्यू के सब मेनू ओपन होंगे। उसके बाद अपने पॉइंटर को रूलर लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आएं और फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं, जिससे कि आपके पेज के रूलर हाइड हो जाएंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब इसे दोबारा से शो कराने के लिए फिर से आप व्यू मेनू बार के ऑप्शन पे जाएं, यहाँ पे क्लिक करें और फिर से रूलर पे क्लिक कर दें, जिससे कि आपका रूलर के ऑप्शन पेज पर शो हो जाएगा। इस तरह से आप रूलर को हाइड और शो करा सकते हैं। अब आप वीडियो को देखकर टेक्स्ट बाउंड्री को हाइड और शो करना सीखेंगे। आप सभी अपने पॉइंटर को मेनू बार के व्यू लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आएं, फिर यहाँ पे अपने टच पैड या माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करें, जिससे कि व्यू के सब मेनू ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आप सभी अपने पॉइंटर को टेक्स्ट बाउंड्री लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आएं और यहाँ पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपका टेक्स्ट बाउंड्री हाइड हो जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। दोबारा से इसे लाने के लिए मेनू बार के व्यू ऑप्शन पे जाएं और यहाँ पे टच पैड या माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर दें। उसके बाद टेक्स्ट बाउंड्री लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपका टेक्स्ट बाउंड्री शो हो जाएगा। इस तरह से आप टेक्स्ट बाउंड्री को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अब आप नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर के बारे में सीखेंगे। यह एक प्रकार का स्पेशल सिंबल होता है। यह सिंबल्स उन कैरेक्टर को दिखाता है जिसे हम प्रिंट नहीं कर सकते। आइए अब सीखते हैं नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को हाइड और शो कैसे करते हैं। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को कैसे हाइड अनहाइड करते हैं। आप सभी अपने पॉइंटर को मेनू बार के व्यू लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आएं, यहाँ पर क्लिक करें। उसके बाद जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिससे कि सिंबल आपके पेज पर आ जाएगा। यह नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर होता है। इसे भी आप हाइड करने के लिए दोबारा से व्यू लिखे हुए ऑप्शन पर जाएंगे और वहां पे क्लिक करके नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर के ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देंगे तो यह भी हाइड हो जाएगा। अब आप सब फुल स्क्रीन के बारे में सीखेंगे। फुल स्क्रीन करने से आपके पेज का स्क्रीन पूरा बड़ा हो जाता है, जिससे कि आपके राइटर के सभी ऑप्शन हाइड हो जाते हैं। इसके लिए आप सब शॉर्टकट कमांड का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो Ctrl+Shift+J होता है। आइए अब वीडियो देखकर सीखते हैं कि हम इसे उपयोग कैसे करते हैं। आप सभी अपने पॉइंटर को मेनू बार के व्यू लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आएं और यहाँ पे अपने टच पैड या माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर दें, जिससे कि व्यू मेनू बार के सब मेनू ओपन होंगे। उसके बाद आप अपने पॉइंटर को फुल स्क्रीन लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आएं और फिर यहाँ पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपका राइटर का पेज फुल स्क्रीन में आ जाएगा। जब आप फुल स्क्रीन करेंगे तो आपके बाकी के सारे ऑप्शन, जैसे कि स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग बार इत्यादि, यह सभी हाइड हो जाएंगे। इसे दोबारा से ठीक करने के लिए आप सभी फुल स्क्रीन पर क्लिक कर दें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं। अब आप जूम का उपयोग करना सीखेंगे। जूम के मदद से आप सब अपने पेज के साइज को बड़ा या घटा सकते हैं। आप जूम का प्रयोग दो तरीके से कर सकते हैं, जो कि आपको वीडियो में बताया जाएगा।
आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि जूम कैसे करते हैं। जूम करने के लिए आप सभी अपने पॉइंटर को, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, व्यू लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आएं। उसके बाद अपने पॉइंटर को जूम लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आएं। उसके बाद वेरिएबल लिखे हुए ऑप्शन को सेलेक्ट करें और यहाँ पे जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो साइज बढ़ता जाएगा पेज का, और नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो पेज का साइज कम हो जाएगा। उसके बाद आप ओके कर सकते हैं। दूसरा तरीका जूम आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, अगर आप प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो पेज का साइज बढ़ता जाएगा, और माइनस के साइन पे क्लिक करेंगे तो पेज का साइज कम होता जाएगा। इस तरह से आप जूम का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है, आप सभी अपने राइटर के फाइल को क्लोज करें। अगर आपको फाइल क्लोज करने में कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। सभी अपने कर्सर को पेज के दाहिने साइड कोने में क्रॉस के बटन पर लेकर जाएं और वहां अपने माउस या टचपैड के लेफ्ट बटन को दबा दें। आपकी स्क्रीन पर एक बॉक्स आ जाएगा जिस पर तीन ऑप्शन दिए गए होंगे, सेव, डिस्कार्ड और कैंसिल। क्योंकि हमें इस फाइल को सेव नहीं करना है, इसलिए हमें डिस्कार्ड वाले बटन पर क्लिक करें जिससे फाइल क्लोज हो जाएगी। अब आप सभी अपने कंप्यूटर को शटडाउन करें। आज की कक्षा में आप सबने व्यू सब मेनू के सभी ऑप्शन के बारे में सीखा और इसका अभ्यास भी किया, जैसे कि प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट में क्या अंतर होता है, टूल बार को कैसे हाइड और शो करते हैं, स्टेटस बार को कैसे शो हाइड करते हैं, और सबसे बाद में आपने जूम के बारे में सीखा।